अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाकिस्तान से मैं हूं फैसल और मैं हूं मानी। आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। पाकिस्तान को T20 क्रिकेट में राइट ऑफ करना एक बेवकूफी है। एक ही फॉर्मेट है जिसमें पाकिस्तान लीथल है, वो है T20 क्रिकेट। लेकिन वर्ल्ड कप की प्रेडिक्शन अब स्टार्ट हो गई है कि टॉप फोर में कौन सी चार टीमें होंगी। तो स्टार स्पोर्ट्स के एंकर, स्टार स्पोर्ट्स के जो प्रेजेंटर है, उन्होंने एक प्रेडिक्शन वाला एक सेगमेंट लॉन्च किया है जो कि ऑन ईयर भी हुआ है। उसमें जो पाकिस्तान का नाम है टॉप फोर में, कुछ लोगों ने नाम नहीं लिया। उसमें सुनील गवास्कर हैं, टॉम मोडी हैं, इसके अलावा मैथ्यू हेडन है, वो पाकिस्तान को टॉप फोर में नहीं देख रहे। इमरान, जो एक टीम पाकिस्तान जो कि 3 बार फाइनल और 5 बार टोटल सेमीफाइनल और 3 फाइनल खेल चुकी है T20 वर्ल्ड कप में, उसको राइट ऑफ करना क्या ये अकलमंदी है? ये कहीं से भी अकलमंदी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो वन ऑफ द बेस्ट है। आप कहने के ये जिनको उन्होंने रखा है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, सीधी सीधी आज बातें करूंगा। इंडिया को हर बंदे ने टॉप फोर में रखा है। इंडिया की टीम में ऐसे क्या पर लगे हुए हैं कि वो टॉप फोर में? सिर्फ ये पर लगे हुए हैं कि चैनल स्टार स्पोर्ट्स था, इंडिया का चैनल था। हालांकि इंडिया से बेहतर टीमें इंग्लैंड है, इंडिया से बेहतर टीम ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया से बेहतर टीम न्यूजीलैंड है, जो इंडिया को हर बार T20 वर्ल्ड कप में हराती है। पाकिस्तान और इंडिया तो बराबर खड़े हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन मीडिया की सोच है। ये बेशक जो बोलने वाले हैं वो फॉरेनर्स हैं, वो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं, लेकिन बस आईपीएल के दौरान हुआ ना ये टूर्नामेंट। और सरप्राइजिंगली जो वहां पर 2 इंडियन से उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है, टोटल 7 लोगों का वो एक दिखाया गया है। उसमें से जो है श्रीशांत, जो इंडियन फास्ट बॉलर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान को टॉप फोर में रखा है। इसके अलावा दूसरे जो है मोहम्मद कैफ, उन्होंने भी पाकिस्तान को टॉप फोर में रखा है। इसके अलावा क्रिस मॉरिस है साउथ अफ्रीका की, उन्होंने भी पाकिस्तान को टॉप फोर में रखा है। लेकिन सुनील गवास्कर, टॉम मोडी और मैथ्यू हेडन ये नहीं समझते कि पाकिस्तान टॉप फोर में क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन ये मुझे लगता है कि इमरान, ये थोड़ा सा ना पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करें। रिसेंट फॉर्म को देखते हुए शायद ये बातें हो रही है, लेकिन आपको ये भी मद्देनजर चीज रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान है टूर्नामेंट की टीम। आईसीसी टूर्नामेंट जैसे ही आता है पाकिस्तान टीम जाग उठती है। कौन पाकिस्तान को रेट कर रहा था कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएगा? कौन पाकिस्तान को रेट कर रहा था 2009 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा? कौन 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रेट कर रहा था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा? तो पाकिस्तान हमेशा अच्छा करता है टूर्नामेंट्स में। नासिर हुसैन भी कहते हैं ना कि ये टूर्नामेंट की टीम है, तो टूर्नामेंट स्टार्ट होने दें तो ये सब की सब प्रेडिक्शन जो है ना वो चेंज होने वाली है। और मेरे हिसाब से तो कंफर्म है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान टॉप फोर में तो जा रहा है। देखिए, वैसे भी आपके हिसाब तो बड़ा जबरदस्त है, एज आपने पाकिस्तानी बोल दिया, लेकिन मैं एज पाकिस्तानी नहीं बोलूंगा। आज मैं देखिए सबूत दूंगा। सबूत ये है कि पाकिस्तान एक वाहिद टीम है जो सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेल चुकी है T20 वर्ल्ड कप के। मैंने आपको बताया पहले, सबसे ज्यादा फाइनल खेल चुकी है, यानी कि 3 बार फाइनल खेल चुके हैं हम और 2 बार हारे हैं बेशक, लेकिन फाइनल में पहुंचना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। 8 इवेंट हुए ना अभी तक, 8 इवेंट में 5 बार पाकिस्तान सेमीफाइनल रहा है जी। अच्छा, अगर किसी आप कहते हैं किसी के कहने और ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखें अगर प्रेडिक्शन से टीमें जीतती हो ना तो फिर अगले कोई पिछले 15 टूर्नामेंट इंडिया जीतता हो। इंडिया हकीकत यह है कि 2011 के बाद एक भी टूर्नामेंट नहीं जीता, तो प्रेडिक्शन जो है ना मैटर नहीं करती है। मैं प्रेडिक्शन आप कह लें कि हाइप बनाने के लिए, व्यूज लेने के लिए तो ठीक है, लेकिन मैटर वो नहीं करती जब तक आपके पास वो क्वालिटी टीम के अंदर ना हो, टीम पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी है। देखिए, इंडिया की अगर बात करें आप, तो इंडिया अगर 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में होने के बावजूद नहीं जीत सका, तो अभी जो लोग 7 के 7 जो प्रेडिक्शन, उसमें इंडिया जरूर डाला हुआ है। ठीक है, इंडिया एक स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम मुझे तो नहीं नजर आ रही। देखिए, इंग्लैंड की टीम, न्यूजीलैंड को रेट नहीं कर रहे, न्यूजीलैंड को ना रेड करना आईसीसी टूर्नामेंट में ये एक और बेवकूफी है। देखिए, न्यूजीलैंड हमेशा जो है ना वो तंग करता है, इंडिया को खासतौर पर तंग करता है, जगह ले जाता है और सेमीफाइनल तक वो पहुंचते ही पहुंचता है। एक पाकिस्तान हर बार न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में रखा नहीं जाता, लेकिन वो पहुंच जाते हैं, वो हर बार पहुंचते हैं, इवन पाकिस्तान में भी कोई भी। तो प्रेडिक्शन जो होती है ना वो ऑन पेपर नहीं होती है कि अच्छा इसमें विराट कोहली है फाइनल में, इसमें वो है क्रिस गेल है फाइनल में, ऐसे नहीं होता है। तो हमारे व्यूवर्स भी हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके टॉप फोर कौन है, क्योंकि हमें तो, मैं अपने पैसे टॉप फोर बताऊं आपको मानी, मुझे तो लगता है कि टॉप फोर में इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये टीमें मुझे लग रही है। और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को अंडररेट ना करें ये, और वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को सीरीज हरा दी है। तो ये T20 वर्ल्ड कप बड़ा ओपन वर्ल्ड कप होने वाला है, लेकिन टॉप फोर मेरे हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और इंडिया होंगे। अगर आप अपना बताना चाहिए तो बता दें। देखें, वैसे भी अगर आप मेरे टॉप फोर पूछे ना, तो पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। एक चीज मैं कह रहा हूँ, आप कहेंगे इंग्लैंड को क्यों नहीं डाला आपने? इंग्लैंड को इसलिए नहीं डाला क्योंकि पाकिस्तान को आगे भेजना है, और ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है कि इस बार ना अच्छा करेगी, ठीक है, इसलिए इंग्लैंड को साइड पर कराना पड़ेगा एज अ पाकिस्तानी। अगर इंग्लैंड को आगे करेंगे पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। दूसरी तरफ से इंडिया को मैंने इसलिए डाला है कि इंडिया से मुझे उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन इंडिया आगे जाएगी तो वर्ल्ड कप की जो रौनक है बहाल रहेगी। और जिस तरह वर्ल्ड कप मानी वेस्ट इंडीज में हो रहा है, और साउथ अफ्रीका को रिसेंटली वेस्ट इंडीज ने सीरीज हरा दी है,
तो वेस्ट इंडीज को भी राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। तो वर्ल्ड कप ओपन है, कोई भी टीम जीत सकती है। देखिए पाकिस्तान को पहले तो आयरलैंड और इंडिया को हराना है, यहां पर भी थोड़ा मसला क्रिएट हो सकता है। हमारे ग्रुप में अमेरिका भी है, कनाडा भी है, चले उनको तो मैं देख लूंगा कि वो थोड़ी सी हल्की टीम है, उनको तो हमें इजीली हराना चाहिए, लेकिन रिसेंटली हमें हमारी फुल स्ट्रेंथ को आयरलैंड हरा चुका है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ये ना हो कि हम पहले ग्रुप में कहीं बाहर हो जाए, लेकिन ये कि अगर पाकिस्तान आगे जाता है तो इंशाल्लाह सेमीफाइनल तो जरूर जाएगा। पाकिस्तान की बाहर होने की बात क्यों कर रहे हैं आप, इंडिया के बाहर होने की बात भी नहीं कर रहे? देखिए इंडिया का जो रिकॉर्ड है ना मीनू के खिलाफ बड़ा अच्छा है, मैं सीधी बात करूंगा, इंडिया जो है ना वो क्लैप नहीं करता, उनके खिलाफ क्रम्बल नहीं करता, हमेशा थ्रू कर जाता है, लेकिन पाकिस्तान हल्की टीमों के अगेंस्ट आजकल के जमाने में रिसेंट पास में भी हारा है, जिम्बाब्वे से हारा, अफगानिस्तान से हारा, रिसेंटली आयरलैंड से हारा, तो पाकिस्तान थोड़ा डरा, इस वजह से भी आए थे पाकिस्तानी फैन, हम भी इस वजह से डरे हुए कि हम रिसेंटली उनसे हारे हुए। तो इंडिया मुझे लगता नहीं कि पहले राउंड में बाहर होगा, वो इजीली थ्रू करेगा, हमें उसके साथ थ्रू करना है और इंडिया को हराते हुए हमें टॉप करना है, मैं तो ये उम्मीद लेके जाऊंगा। लेकिन अगर हम टॉप इंशाल्लाह टॉप जो है दूसरा ग्रुप पहुंचेंगे वहां पर सुपर एट में पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह हम सेमीफाइनल तक भी पहुंचेंगे। टॉपिक से थोड़ा हम हट गए हैं, टॉपिक पे दोबारा आते हैं, अब ये स्टार स्पोर्ट्स वालों को क्या करना है वैसे, ये तो फिर पाकिस्तान को गेम नहीं रखते। देखिए पाकिस्तान की बात नहीं है, स्टार स्पोर्ट्स वालों ने तो फिर न्यूजीलैंड को भी रेड नहीं किया, स्टार स्पोर्ट्स वाले वेस्ट इंडीज को भी रेड नहीं करे। अब देखिए चार बड़ी टीमों के नाम लेने होते हैं, वो चार बड़ी टीमों की फॉर्म के हिसाब से नाम ले लेते हैं, लेकिन खेलना प्रेडिक्शन, देखिए आपने कहा प्रेडिक्शन के साथ रिजल्ट नहीं आते, जब ऑन द डे कोई अच्छी टीम खेलेगी, अब न्यूजीलैंड को कोई नहीं रेड कर रहा, न्यूजीलैंड हमेशा सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, हमेशा ऐसे होता है कि न्यूजीलैंड को कोई रेड नहीं कर रहा। 2021 के वर्ल्ड कप की मिसाल आपके सामने है, वहां पर देखिए सब कॉन्टिनेंट का टूर्नामेंट कहा जा रहा था उसको, वहां पर जीता कौन, ऑस्ट्रेलिया जीता, फाइनल किसके साथ था, न्यूजीलैंड के साथ, तो पाकिस्तान ना था फाइनल में, ना इंडिया था, ना श्रीलंका था, तो प्रेडिक्शन तो फिर आप कहते हैं कंडीशन ये है, सिर्फ पाकिस्तान था साथ इंग्लैंड था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यानी कि तीन सीना कंट्री थी, एक पाकिस्तान एशियन कंट्री रह गई थी, और कब हो रहा था दुबई में, तो ये इससे हिसाब होता है, क्रिकेट तो फिर ऐसे है ना। हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।